बहुत सारे कमेंट जो करता है, तो ये यूएसबी जो कीबोर्ड होता है एक्सटर्नल, उसको कैसे रिपेयर करें। आज अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे इसको रिपेयर करें, कि कोई भी यूएसबी कीबोर्ड हो तो प्रॉब्लम जो होता है, कभी कभी कनेक्टिविटी लेता है, कभी कभी नहीं लेता है, इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन करना है। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये कीबोर्ड ये बहुत पुराना है और इसमें प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे पड़ा था, तो मैंने क्यों ना सोचा इसका भी एक वीडियो बना दूँ। तो इसका प्रॉब्लम क्या है देखिए गौर से। ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पे एक लैपटॉप है और अभी इसको मैं यूएसबी पिन को कनेक्ट कर रहा हूँ, और कनेक्ट करने के बाद तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, यूएसबी डिवाइस नॉट रिकमेंड ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसका प्रॉब्लम है। और एक यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे देखो केबल में कुछ काटिंग है। ठीक है, वो कभी कभी लेता है, कभी नहीं लेता है। देखिए अभी देखो, अभी ले लिया, देखो नाम लॉक का लाइट ग्लो हो रहा है, अभी छोड़ दिया। देखिए कभी ले रहा है इसको वायर को, मैं देखिए फिर से चला गया। गौर से देखिएगा आप लोग को प्रॉब्लम समझो, फिर देखो देखिए फिर से आ गया, ये चला गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप लोग को क्या से इसको रिपेयर करना है आज इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा, कि जो ये जो लाइट ऑटोमेटिक जा रहा है इसका दिक्कत क्या है। इसका दिक्कत जो है यहाँ पे देखिए, यह केपिल पूरा फटा हुआ है। ओके, तो अभी इसको कैसे इसको रिपेयर करेंगे आज इस लोग को दिखाऊंगा। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे जो केबिल है इसको हम बटन जो ये जितने सारे इसको इसको रिमूव करेंगे और कनेक्टिविटी को चेक करेंगे। ठीक है, जितने सारे स्क्रू है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप रिमूव कर रहा हूँ, जितने सारे स्क्रू है। ठीक है, जितने सारे स्क्रू है इसको भी मैंने रिमूव किया। ये रहा पीछे का बेस, बाहर कर दिया हूँ। इसका प्रॉब्लम देखिए, ये इसको कहते हैं एमएनसी। ठीक है, एमएनसी तो जो बटन जब प्रेस करते हैं, आपको तो दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि सेंसिटिव वायर पे, ये फिक्स, ये जो आपका रबर देखो ये फिक्स है। ठीक है, और कुछ कुछ में होता है थोड़ा थोड़ा रबर दे देता है, सिंगल सिंगल रबर देता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने सीट का यहाँ पे लॉक किया है, और ये लॉजिक बोर्ड। और प्रॉब्लम आपका कहाँ पे, यहाँ पे ये जो आपका देखो ये केबिल जो है पूरा कटा हुआ है। आपको जो करना है इसको तोड़ देना है, यहाँ से बाहर करना है, और यहाँ का जो केबिल है एक एक करके यहाँ पे लगा देना है। तो अभी जो करूँगा इसको बाहर कर लूँगा कटिंग करके, और यहाँ से एक एक करके सेम पोजीशन में यहाँ पे डाल देंगे, तो इसका प्रॉब्लम जो है 100% शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, जो जितने सारे पिन कनेक्टिविटी है यहाँ पे केबिल वायर का, तो अभी एक एक करके रिमूव करेंगे और एक एक करके लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और इसमें देखिए यहाँ पे चार पिन है, और मतलब तो चार कनेक्शन लगा है, और इसमें पांच है। तो यहाँ पे जो वायर वाला नहीं प्रोडक्शन नहीं है, और ब्लैक वायर ये सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी चेक कर लो कि सेम ही कनेक्टिविटी जुड़ा रहता है। तो ऐसा गड़बड़ी की यहाँ से मत रिमूव करना, एक एक करके करना, क्योंकि कनेक्टिविटी भी जरूरी है। अगर मैनेज प्लस अगर इधर उधर हो जाता है तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो फिलहाल चलो एक एक करके हम यहाँ पर लगाते हैं। ओके, तो हम लगा दिया हूँ, और अभी ब्लैक एंड ब्राउन जो होता है दोनों का ही एक ही पिन है। तो कस्टमर में एक प्रॉब्लम आ जाता है कि इसको कौन सा लगा है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, जो ब्राउन एंड ब्लैक वायर हुए उसको सेम ही लगा देना, एक ही पॉइंट है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, गलती मत करो। गलती कर दोगे तो ध्यान में रखना है, हड़बड़ी मत करो। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जो पांच कनेक्टिविटी है वायर है, इसको स्टेप बाई स्टेप लगा दिया हूँ, और अभी इसको चेक करेंगे प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और अच्छी तरीके से पैक, जैसे पैकिंग था वैसे ही हम पैकिंग करेंगे कंपनी। ओके, तो अभी देखो कनेक्टिविटी पूरा बैकिंग के है। अभी जो इसका बेस है पीछे वाला बैक, अभी इसको यहाँ पे फिट करेंगे।
अभी देखो कि यहाँ पे जितने सारे, यहाँ पे बेस को बैठा दिया हूँ, अभी जितने सारे यहाँ पे स्क्रू है स्क्रू को यहाँ पे लॉक करेंगे, फिर चेक करेंगे। नॉर्मल जितने सारे स्क्रू है लगा दिया हूँ और अभी इसका टेस्ट करेंगे कि कीबोर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है इसका, कनेक्टिविटी कर दिया हूँ और देखो यहाँ पे लाइट भी ग्लो हो रहा है और यहाँ पे हम विंडोज बटन प्रेस करेंगे और देखो ये पूरा काम कर रहा है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम था यहाँ पे कि लाइट अप डाउन कर रहा था कुछ, तो अभी देखो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जिधर से हम वायर को अप डाउन करूँ कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो गया। तो ऐसा नहीं, ये तो लॉजिटेक का कीबोर्ड है, K200 का कीबोर्ड है, ऐसा नहीं कोई भी आप यूएसबी कीबोर्ड को ऐसे ही रिपेयर कर सकते हो। अगर डेड है या कभी वर्क कर रहा है कभी वो नहीं वर्क कर रहा है, तब ईज़िली आप कोई भी कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट वाला कीबोर्ड अब ईज़िली इसको रिपेयर कर सकते हो। चल गया होगा कि यूएसबी कीबोर्ड भी रिपेयर हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप खुद ही रिपेयर कर सकते हो, ऐसे नहीं कोई सर्विस सेंटर या कोई रिपेयर सेंटर में आपको जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद भी कोई भी कंप्यूटर कीबोर्ड में आप इजीली रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन से बहुत टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।